चर्चित मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर 24 घंटे आपकी सेवा में। ये केजी स्टोन हॉस्पिटल है, यूरोलॉजिस्ट हॉस्पिटल है, जो कि अनासागर चौपाटी पर है। यहाँ पे अभी हमारे काफी तादाद में पेशेंट भी एडमिट हैं। उन लोगों को भी जो आज जो हुआ है हॉस्पिटल के बाहर, इसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हुआ है हमें। पिछले 1 आवर से हम लोग इतने डिस्टर्ब चल रहे हैं, सब क्या कह के थक गए। मगर ये बंदा जो वकील है, नाम मुझे नहीं पता है, ये काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े होकर गाली गलौज कर रहे हैं। हमारे काफ़ी पेशेंट एडमिट है, अंदर हैं, उन्हें भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। वो भी हमें कह रहे हैं, हमने गार्ड ने भी कोशिश करी, फिर उन्होंने अंदर गार्ड को धक्का दे के अंदर आने की कोशिश करी कि नहीं, मैं तो इन लोगों को बताऊँगा ये कौन है। मतलब गालियाँ जो है वो मैं नहीं बोल के बता सकती हूँ, मगर इन्होंने अंदर आने की कोशिश करी, तो अभी भी आप दे सकते हैं, वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ बोल रहे हैं। क्या वजह थी हॉस्पिटल के अंदर आने की? मारूंगा, मतलब सबको गाली गलौज करूंगा, यहाँ पे माहौल खराब करूंगा। हम लोग तो आज किस तरीके से यहाँ पे साइलेंटली काम कर रहे हैं, किसी तरह का कोई वो नहीं, मगर ऐसे लोग आके जो कि वकील है हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है ना सर। दारू की बोतल भी बाहर है, जेब में से निकाल के फेंकी है और हम लोगों को गाली कराए। बोले जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है पुलिस को बुला लो। मैं नहीं डरता हूँ पुलिस। पुलिस मौके पर बुलाना पड़ा, लेके आए हमारे स्टाफ वाले, पुलिस को बाइक पे बिठा के लेके आए। पुलिस आई है, काफी देर तक खड़ी रही है, मगर किसी तरह का कोई उन पे एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद में सीनी कुमकुम, इन्होंने जो कार्ड वगैरह फेंका उसमें उनका नाम राजेश शर्मा लिखा हुआ है। अब वो कार्ड इन्हीं का है, तो ये राजेश शर्मा, एडवोकेट राजेश शर्मा है, और शराब की बोतलें फेंक रहे हैं, निकाल करके गाली गलौज कर रहे हैं हॉस्पिटल में, गाली गलौज कर रहे हैं हॉस्पिटल के लोगों को कर रहे हैं, जबकि किसी ने इनसे कुछ नहीं कहा। और अभी भी आप देख लीजिए किस तरीके से जमीन पर लेट फेट हो रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं और बुरे तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं। ना किसी महिला का लिहाज है, ना ही किसी की, पेशेंट भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। और सब मतलब लॉकडाउन में मास्क वगैरह कुछ नहीं, सारी धज्जियाँ उड़ रही है, सारी सोशल डिस्टेंसिंग की, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई है, पर ये भाई साहब नहीं समझ रहे हैं। एडवोकेट होकर हॉस्पिटल है, उनके साथ हाथापाई भी की गई है, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, हॉस्पिटल के अंदर नहीं, हॉस्पिटल के जस्ट बाहर कर रहे हैं ये, कोई हाथापाई नहीं, पर ये गाली गलौज कर रहे हैं। हम इनको समझाइश की कोशिश कर रहे हैं, पर ये समझने को राजी नहीं है, सिर्फ गाली गलौज कर रहे हैं। बाहर आओ, तुमको एक एक को देख लूंगा, तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारा वो कर दूंगा, जबकि इनसे किसी ने कोई अपशब्द नहीं कहा, किसी ने कोई एक शब्द नहीं कहा। इनका पेशेंट कोई एडमिट नहीं, इनका कोई पेशेंट एडमिट नहीं है एट अ टाइम हॉस्पिटल में। आपका नाम क्या है हॉस्पिटल में? मैं रेनू बनाना, यहाँ हॉस्पिटल में नर्स हूँ, ओटी असिस्टेंट।